नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पशुओं के आहार के मुख्य तत्व क्या है, इनकी क्या विशेषता है और पशुओं को कौन कौन से आहार देना चाहिए जिससे कि पशु की उत्पादक क्षमता बढ़ सके। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की तुलना में भैंसों का विशेष महत्व है, क्योंकि भैंस मुख्य रूप से दूध भी ज्यादा देती है और इससे मांस उत्पादन भी होता है और कृषि कार्य भी किए जाते हैं। आमतौर पर भैंस विश्व के ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ खेती से प्राप्त हरे चारे की और चारागाह की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो और चारों में रेसी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त भैंस गायों की अपेक्षा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस व प्रोटीन नाइट्रोजन को भी उपयोग करने में अधिक सक्षम है। जब भैंसों को चारागाह में रखा जाता है तो वो इतना भोजन ग्रहण नहीं कर पाती जिसके अनुसार उनकी व्यवहार हो सके, उनका प्रजनन हो सके और कृषि कार्य के लिए उनकी पूर्ति हो सके। इसी कारण से भैंसों को असातीत बढ़वार नहीं हो पाती और उनके पहली ब्याज की उम्र 3.5 से 4 साल आ जाती है। अगर भैंसों को भली भांति देखभाल और खिलाई पिलाई की जाए और आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराया जाए तो उनकी पहली ब्याज पर उनकी उम्र 3 साल से कम किया जा सकता है और उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। आप बात करेंगे पशुओं के लिए पोषक तत्व का महत्व। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पोषक की आवश्यकता होती है तो उसे आहार के रूप में प्राप्त होता है। पशु आहार में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ शरीर की विभिन्न क्रियाओं में से इस प्रकार उपयोग में आते हैं। पहला है कि पशु आहार शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं, सांस संबंधित क्रियाओं, रक्त प्रवाह और समस्त शारीरिक मानसिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर विकास, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि तथा दूध उत्पादन आदि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह कोशिकाओं तथा ऊतकों की टूट फूट जो जीवन पर्यंत होती रहती है उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। अब बात कर लेते हैं पशु आहार के मुख्य तत्व। रासायनिक संरचना के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण भोजन के मुख्य तत्व है। डेयरी पशु शाकाहारी होते हैं तथा ये सभी तत्व उन्हें पेड़ पौधों से, हरे चारे से व सूखे चारे से तथा दाने से प्राप्त होता है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी मात्रा पशुओं के चारे में सबसे अधिक होती है। यह हरा चारा, सूखा चारा, कड़वी तथा सभी प्रकार के अनाजों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन शरीर की संरचना का एक प्रमुख तत्व है। यह प्रत्येक कोशिकाओं की दीवारों तथा आंतरिक संरचना का प्रमुख अवयव है। शरीर की वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि तथा दूध उत्पादन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है तथा पशुओं को प्रोटीन मुख्य रूप से खल, दालों तथा फलीदार हरे चारे, बरसीम, रिचका, लोबिया, ग्वार आदि से प्राप्त होता है। अब बात करेंगे वसा। वसा पानी में न घुलने वाला चिकने पदार्थ जैसे कि घी, तेल इत्यादि को वसा कहा जाता है। कोशिकाओं की संरचना के लिए वसा एक आवश्यक तत्व है। यह त्वचा के नीचे तथा अन्य स्थानों पर जमा होकर शरीर को ऊर्जा के रूप में भंडार के रूप काम आती है एवं भोजन की कमी के दौरान उपयोग में आती है। पशु के आहार में लगभग 3 से 5% वसा की आवश्यकता होती है जो उसे आसानी से चारे तथा दाने से प्राप्त हो जाती है, अतः इसे अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। वसा के मुख्य स्रोत बिनोला, तिलहन, सोयाबीन व विभिन्न प्रकार की खले हैं। विटामिन की अब बात कर लेते हैं। शरीर की सामान्य क्रियाशीलता के लिए पशु को विभिन्न विटामिनों की आवश्यकता होती है। ये विटामिन उसे आमतौर पर हरे चारे से प्राप्त होते हैं और विटामिन बी तो पशु शरीर के पेट में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा प्राप्त मात्रा में संश्लेषित होता है। अन्य विटामिन जैसे ए, सी, डी और ई तथा के पशुओं के चारे व दाने से मिल जाते हैं। विटामिन ए की कमी से भैंसों में गर्भपात, अंधापन, चमड़ी का सूखापन, भूख की कमी, गर्मी में न आना तथा गर्भ का न रुकना आदि समस्या हो सकती है। आप खनिज लवण की बात कर लेते हैं। खनिज लवण मुख्य रूप से दांतों की संरचना के लिए मुख्य भाग है तथा दूध में भी काफी मात्रा में स्थापित होते हैं। ये शरीर के एंजाइम और विटामिनों के निर्माण में काम आकर शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को निष्पादित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, गंधक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, आयोडीन और सेलेनियम इत्यादि शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख लवण है। दूध उत्पादन की अवस्था में भैंस को कैल्शियम तथा फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है। प्रसूति के काल में इसकी कमी से दूध जोर हो जाता है तथा बाद की अवस्थाओं में दूध उत्पादन घट जाता है एवं प्रजनन दर में भी कमी आ जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण गर्भित भैंसें फूली दिखती है क्योंकि चारे में उपस्थित खनिज लवण भैंस की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, इसलिए खनिज लवणों को अलग से पशुओं को खिलाने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात कर लेते हैं भैंस के लिए आवश्यक आहार की विशेषता।
पशु आहार संतुलित होना चाहिए। इसके लिए दाना मिश्रण में प्रोटीन और ऊर्जा के स्रोतों एवं खनिज लवणों का समुचित समावेश होना चाहिए। ये पशु आहार सस्ता होना चाहिए, आहार स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होना चाहिए जिससे कि दूध उत्पादन में किसी प्रकार की कमी न आ सके। दाना मिश्रण में अधिक से अधिक प्रकार के दानों फलों को मिलाकर तैयार करना चाहिए ताकि इसकी गुणवत्ता और स्वाद में बढ़ोतरी हो सके। आहार सुपाच्य होना चाहिए, कब्ज करने वाले और दस्त करने वाले चारे को नहीं खिलाना चाहिए। भैंस को भर पेट हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए, इससे उनको अफरा होने की संभावना रहती है, इसलिए पशुओं को हरे चारे के साथ सूखे चारे का मिश्रण खिलाना चाहिए। भैंस के आहार को अचानक नहीं बदलना चाहिए, यदि कोई बदलाव करना पड़े तो पहले वाले आहार के साथ मिलाकर धीरे धीरे बदलना चाहिए। भैंस को खिलाने के समय निश्चित रखें, इसमें बार बार बदलाव न करें। पशु आहार खिलाने का समय ऐसा रखें जिससे कि भैंस अधिक समय तक भूखी न रहे। दाना मिश्रण को चारे के साथ अच्छी तरह मिलाकर खिलाने से कम गुणवत्ता व कम स्वाद वाले चारे की खपत बढ़ जाती है, जिसके कारण चारे की बर्बादी में कमी आती है, क्योंकि भैंस चुन चुन कर खाने की आदत के कारण बहुत सारा चारा बर्बाद करती है। पशुपालक भाइयों, अब भैंसों के लिए पशु आहार के मुख्य स्रोत। भैंसों के लिए उपलब्ध खाद्य सामग्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला है चारा और दूसरा है दाना। चारे में रेशे युक्त तत्व की मात्रा शुष्क भार के आधार पर 18% से अधिक होती है तथा समस्त पचनशील तत्व की मात्रा 60% कम होती है। इसके विपरीत दाने में रेशे की मात्रा 18% से कम होती है और समस्त पचनशील तत्व की मात्रा 60% अधिक होती है। अगर चारे की बात करें तो चारा भी नमी के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, सूखा चारा और हरा चारा। सूखा चारा जो होता है, चारे में नमी की मात्रा 10-12% से कम होनी चाहिए तो यह सूखे चारे की श्रेणी में आता है। इसमें गेहूं का भूसा, धान का पुआल, ज्वार, बाजरा, मक्का की कड़वी आदि आते हैं। इनकी गणना घटिया चारे के रूप में की जाती है। अब हरे चारे की बात करें तो चारे में नमी की मात्रा 60-80% होनी चाहिए और चारा हरा और रसीला होना चाहिए। पशुओं के हरे चारे दो प्रकार के होते हैं, दलहनी तथा बिना दलहनी। दलहनी चारे में बरसीम, रिचका, ग्वार, लोबिया आदि आते हैं। दलहनी चारे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, अतः ये अधिक पौष्टिक तथा उत्तम गुणवत्ता वाले होते हैं। बिना दल वाले हरे चारे जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, अगोला, हरी घास आदि आते हैं। दलहनी चारे की अपेक्षा इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, अतः ये कम पौष्टिक होते हैं। इनकी गणना मध्यम चारे के रूप में की जाती है। अब बात कर लेते हैं दाने के बारे में। पशुओं के लिए उपलब्ध खाद्य पदार्थ में हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रोटीन युक्त और ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ में तिलहन, दलहन व उनकी चूरी तथा सभी खले जैसे कि सरसों की खली, बिनौले की खल, मूंगफली की खल, सोयाबीन की और सूर्यमुखी की खल आती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 18% से अधिक होती है। ऊर्जा युक्त दाने में सभी प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, जौ तथा गेहूं, मक्का व धान की चोकर, चावल की पॉलिश और चावल की किन्नी, गुड़, सिरका आदि आते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा 18% से कम होती है।